ये गाना तो आप सब लोगों ने सुना होगा, जो मेरे उम्र के हैं तो उन्होंने तो डेफिनेटली सुना होगा। ये गाना किस राग पे आधारित है ये आपको पता है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्मय देवसके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर द एप्रिसिएशन, क्योंकि उस एप्रिसिएशन से कुछ अलग अलग चीज़ें करने का एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ रागास फॉर ऑल। सो आप लोगों ने किरवानी का भी वीडियो देखा, उसके बाद खमाज और भी बहुत सारे रागों के वीडियोज में बना रहा हूँ और वो आपके सामने आएंगे जल्दी। सो होप यू एंजॉय दैट। And then I have made some videos on ghazals also. That genre I like the most. उसमें मैंने काश ऐसा, फिर रंजिश है सही, ये गजल्स भी मैंने प्ले की है। Today I'm going to talk something about raga music. As I have started hashtag called Ragas for All. So this video is all about the raga. So today we are going to explore a rag. भटियार, अभी बहुत लोगों ने इसका नाम सुना नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ गाने भी सुने होंगे। तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट रागा, दैट स्केल। आपको इस स्केल से कुछ जो लोग रागों को समझ रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है कि इस राग में कौन कौन से रागों की शेड्स आपको दिखती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि जो रागा संगीत सीखते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस राग में बहुत सारे रागों की शेड्स हैं, दो इट्स नॉट अ मिश्र राग, इट भटियार हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, बट उसमें बहुत सारे रागों की शेड्स आपको देखने को मिलेगी। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल अबाउट द नेम्स ऑफ दोज रागा, क्यों कौन कौन सी शेड्स है। एटलीस्ट 3 to 4 रागास है इसमें, मैं अभी ये रिवील नहीं करूँगा। अभी मैं बंदिश बजाऊंगा जो पंडित सुरेश तलवलकर जी, मेरे गुरुजी जो है, उनकी बंदिश है डीम डीम डम डमरू बाजे इन राग भटियार, और फिर वो है ताल 3 में। थोड़ी सी मैं आलापी करके उस बंदिश को बजाने की आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एंड देन आपके कमेंट्स की मैं राह देखूंगा। यस सा पॉइंट है, ये कौन सी मात्रा है? डीम डीम डम डम रुबाजे डीम डीम, उसे मुखड़ा कहते हैं। बंदिश के पहले जो लफ्ज होते हैं, तो पहली जो लाइन होती है उसको मुखड़ा कहते हैं। सामा पदम अप गरे सा डीम डीम डम डम रुबाजे डीम डीम डम डम रुबाजे नाचत गावत शिव शिव अभय देत महादेव डीम डीम डम डम रुबाजे डीम डीम मब धनि सा नि धनि धनि दब धर पद मब प मब धनि धनि सा नि सा धनि रे नि धनि दब द पग पग रे सा डीम डीम।
जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि क्लासिकल म्यूजिक इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग वन लाइन, जस्ट वन लाइन, क्योंकि जो डीम डीम डम डमरू बाजे है वो लाइन अलग अलग तरीके से कैसे एक्सप्लोर करेंगे क्लासिकल म्यूजिक। और आई वुड लव टू से रागा म्यूजिक इज ऑल अबाउट दैट, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अरे एक ही लाइन आप इतने बार क्यों कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा कि ये एक ही लाइन हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं वो खोजने की यहाँ पे कोशिश होती है, इसलिए इसे ख्याल म्यूजिक भी कहा जाता है। ख्याल यानी आपकी सोच। अगर इस बंदिश को हम एज अ सॉन्ग ट्रीट करें तो जैसे गाने के भाग होते हैं वैसे ही बंदिश के होते हैं अस्थाई और अंतरा, स्टांजा जिसे कहते हैं। तो अभी ये दो लाइन का स्टांजा, तांडव नृत्य करत डीमी डीमी, तांडव नृत्य करत डीमी, तरगत त्रिलोक तर अधिपति। शिव शिव बहुत बार कन्फेस कर चुका हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर, पर मुझे ये आपके सामने रखना ये चीज़ें, ये बहुत अच्छी तरीके से और लोग गा सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इसकी एक फ्लेवर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये हारमोनियम पे कैसे लग सकता है ये एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। Thank you.